एक बार मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा डाउन करके लाइट को बढ़ाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कोई चीज़ निकल के सामने से गई है। ये देखिए दोस्तों, वहाँ पे है, अभी भी वो चीज़ मौजूद है वहाँ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। और आप लोगों को बता दूं, आज मैं बिल्कुल अकेला हूं इस लोकेशन पे, क्योंकि अजीत भाई आज नहीं आ पाया है और कैमरा मैंने स्टैंड कर रखा है अभी। तो दोस्तों पहले आप लोगों को बता दूं लोकेशन पे क्या हुआ था और इस लोकेशन को हॉन्टेड क्यों मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक घटना हुई थी, काफ़ी समय पहले की घटना है, लगभग 3 से 4 साल हो गए हैं उस घटना को हुए। एक लड़की को बोलते हैं, कुछ लड़कों ने उसको पकड़ के, यहाँ पे पुलिया बनी हुई है, नहर की पुलिया है, उसके नीचे जो जगह होती गैप, नहर सूखी हुई थी तो बोलते उसके नीचे ले जाकर उसके साथ में गलत काम किया। तो उसके गलत काम करके बोलते हैं उसी की मिट्टी या बालू, क्या बोलते हैं, बालू के नीचे दबा दिया उसकी लाश। 3 से 4 दिन तक लोग ढूंढते रहे, किसी को कुछ भी नहीं पता चला, घर वाले पे परेशान थे। मगर जब वहाँ से दुर्गंध निकलने लगी और कुत्ते आसपास से घेर के उसको खोदने लगे, तब लोगों ने देखा कि उसकी अधसड़ी लाश वहाँ पे बरामद की गई। काफ़ी घटना पुरानी है दोस्तों, और बोलते हैं तब से आज भी लगभग 4 साल घटना को हो चुके हैं और आज भी उस लड़की की आत्मा इस जगह पे भटकती रहती है और उन लोगों की तलाश में जो उसको मतलब जान से मार दिए थे। दोस्तों थोड़ी सी घबराहट अंदर से हो रही है क्योंकि मैं अकेला हूँ यहाँ पे और इसलिए शायद अच्छे से बोल नहीं पा रहा हूँ और ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करता हूँ। बढ़ते हैं उस लोकेशन की तरफ जहाँ अक्सर उस लड़की की आत्मा को देखा गया है। तो दोस्तों कैमरा स्टैंड कर रखा था मैंने और अकेले आना पड़ा क्योंकि इस समय मैं परमानेंट वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ और कुछ प्रॉब्लम है सो मैं नहीं आ पा रहा हूँ। और अजीत भाई की तबीयत कुछ ज़्यादा इस समय ख़राब चल रही है तो वो भी नहीं आ पा रहा है, तो अकेले आना पड़ा मजबूरन हमको। जैसा कि आसपास के गांव वालों ने बताया कि यहाँ पे जो लड़की है वो किसी को भी रात के टाइम में यहाँ पे देखती है तो उसके मारने की कोशिश करती है। देखते हैं क्या होता हमारे साथ में, क्यों, और हमारे पास जो एक सुरक्षा ताबीज है उसके बदौलत हम यहाँ पे थोड़ी देर रुक पाएंगे। दोस्तों वीडियो को छोड़ना नहीं है और वीडियो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बंद करेंगे और आगे चल के वीडियो को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ से काफ़ी पीछे हम थे और वहाँ पे ज़्यादा बोलचाल करते तो शायद वो चीज़ हम पे हावी हो सकती थी, तो अभी वीडियो को यहीं पे थोड़ा सा बंद करेंगे। तो गाइस फिर से मैंने कैमरा ऑन कर लिया है क्योंकि अभी हम आधे घंटे रुकने के बाद यहाँ पे फिर से कुछ एक्टिविटी महसूस की थी मैंने यहाँ पे। यहाँ पे हाईवे रोड है जो कि यहाँ से लगभग 50 मीटर 100 मीटर की दूरी पे है। रात का बज चुका है 11 दोस्तों, और हम उस लोकेशन के बिल्कुल नज़दीक हैं जहाँ पे ये क्या चीज़ है, कुछ तो है वहाँ पे जो मोमेंट चल रहा है। कोई बात नहीं दोस्तों, अब इस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा, शायद इसी ने जो अभी मैंने चीखती हुई आवाज़ सुनी थी शायद इसी चीज़ की होगी। थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, कुछ क्या दिक्कत हो सकती है, मैंने लाइट भी पूरी खोल रखी है। आसपास पूरा का पूरा एरिया सुनसान है। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को अभी स्किप नहीं किए होंगे और आगे भी मत करना भाई, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है थोड़ी देर वीडियो पे रुकना और देखना कि यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। देखने में भली आप लोगों को सिंपल लग रहा होगा लोकेशन, और मैं भी यहाँ पे पहली बार विजिट किया हूँ और अकेले होने की वजह से, और जिस हिसाब से गांव में लोग बता रहे थे इस जगह को लेके संबंधित बातें, तो अभी तो हमारा दिल अंदर से बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। फिर भी आप लोगों के सपोर्ट के लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पर और सर्वाइव करूँगा, रुकूँगा थोड़ी देर, इन्वेस्टिगेट करूँगा और
कैमरा आज थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, क्या चीज़ है। थोड़ा सा मैं कैमरा बंद करके एक बार चेक करता हूँ दोस्तों, क्या प्रॉब्लम है कुछ समझ नहीं आ रहा। कैमरा थोड़ा ज़्यादा ही धुमैला टाइप का चल रहा है। ओ भाई गाइस वहाँ पे कुछ है, ये देखो। एक बार मैं ब्राइटनेस थोड़ा सा डाउन करके लाइट को बढ़ाता हूँ। ये देखिए दोस्तों कोई चीज़ निकल के सामने से गई है, कसम से। आप लोगों ने भी वो चीज़ नोटिस की होगी। ये देखिए एक बार मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे यहाँ से निकल के जा रही है चीज़। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा और आगे जाके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब थोड़ा सा कैमरा क्लियर हुआ, पता नहीं क्या हो रहा था अभी तक। ये देखिए दोस्तों वहाँ पे है, अभी भी वो चीज़ मौजूद है वहाँ पे। तो मैं बिल्कुल नहर के किनारे आ गया हूँ जहाँ पर हादसा हुआ था वो। एक बार मैं कोशिश करूँगा इसे कुछ जानकारी करने। कौन है वहाँ पे, कौन है, कौन है वहाँ पे, कोई भी नहीं आसपास है, कोई भी नहीं यहाँ पे दोस्तों, बिल्कुल अकेला हूँ। ब्रेकनेस थोड़ा सा कंट्रोल में रखेंगे तो उस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे। ये देखिए अभी थोड़ा अगर जो एक कहीं पे हाइड होती है तो मैं कोशिश करूँगा उस लोकेशन को दिखाने की। ये देखिए अब दोस्तों आप लोगों को वो चीज़ दिखाऊँगा जहाँ पर घटना हुई थी, वो चीज़ कहीं पर गायब हो गई। हाँ ये देखो दोस्तों यहाँ पे अभी तो यहाँ पे नया पुल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पे पहले यहाँ पे पुल पुराना हुआ करता था और इसके नीचे एक गैप अच्छी खासी थी, यहाँ पे लोग अचानक से इधर से आवाज़ आई, इधर वो चीज़ गायब हुई थी। ये वो जगह थी जहाँ पे उसको मार दिया गया था, उस लड़की को। अभी तो दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा है। अरे बाप रे, अचानक से दोस्तों ये देखिए दोस्तों, एक बार मैं कैमरा स्टे करता हूँ कहीं पे, लगा भी नहीं सकते यहाँ पे कहीं पे। तो जा रही है, कौन है, कौन है वहां पे, जंगल से घिरा हुआ है एरिया थोड़ा सा। क्या किया जाए, शायद वो चीज आगे की तरफ निकल के गई है। ये देखिए दोस्तों फिर से वो चीज़ एक बार फिर से कैमरे में कवर हुई, कैमरा थोड़ा सा ब्लर कर रहा है। ये देखिए वहाँ पे जा रही है चीज़। निकलता हूँ दोस्तों, अकेला हूँ बिल्कुल, नहीं तो और थोड़ी देर यहाँ पे रुकते और कोशिश करते उससे कुछ जानकारी करने की, मगर अकेला हूँ इसलिए मैं यहाँ से अभी निकल जाऊँगा। और अगली बार यहाँ पे आऊँगा तो कोशिश करूँगा इस कि जो इसके साथ में बर्ताव हुआ है
क्यों आखिर ऐसा किया गया, और जो लोग बोलते हैं कि इसके साथ में रेप हुआ है या फिर दुष्कर्म हुआ है, वो बस सच है या नहीं है, इस बात को कंफर्म करने के लिए अगली बार फिर से आना पड़ेगा इस जगह पे। तो दोस्तों अभी मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए होंगे, नहीं किए हों तो प्लीज़ यार कर दो भाई, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। और जितने भी लोग हमारे पेज पे हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ भाई सभी से निवेदन है एक बार फॉलो कर लेना भाई। तब तक के लिए चाहते हैं इजाज़त, जय हिंद, वंदे मातरम।